आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल और कार्यकर्ता सक्रिय हो चले हैं। सभी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे पेश कर रहे हैं। रविवार को भी पबई विधानसभा की वरिष्ठ बीजेपी नेत्री रूप नगायच एडवोकेट ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं समेत सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी विदेशों में भी चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हूं और जो कि पूरी ईमानदारी से किया हूं। उन्होंने कहा कि यदि संगठन मुझे बीजेपी से विधायक उम्मीदवार बनाती है तो मैं जनता के बीच में रहकर हमेशा उनकी सेवा करूंगी। विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी बनाएगी और मैं जनसेवा करूंगी और अपने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए सतत प्रयासरत पहले से भी रहती हूं और बनने के बाद, क्योंकि यदि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कार्य और बड़ी दृढ़ता के साथ किया जाता है। और मेरी इच्छा है कि मैं पवई विधानसभा को रेल लाइन से जुड़वाऊं, पवई क्षेत्र को रेल लाइन से जुड़वाऊं और पवई को, क्योंकि अपने पवई विधानसभा और इसको जिला बनाने के लिए भी मेरी इच्छा है, तो मैं इसके लिए सतत प्रयास में रहूंगी कि मैं पवई में रेल लाइन लाऊं और जिला बनवाऊं, जिससे हमारे पवई का चहुंमुखी विकास।